हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे जो पिछले वीडियो में हम 4 पॉइंट बताए थे इफ एल्स के बारे में। जैसे फर्स्ट क्या था, इफ था, सेकंड इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स इफ, उसके बाद इफ एल्स लैडर। तो ये सब हम पॉइंट जो पहले वीडियो में 2 डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद का 2 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा टूर पे निकला हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। बट अब सब चीज़ बंद हो गया, मेरा मीन्स कि टूर भी सारे ख़त्म हो गए हैं। अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग पहले वाले पार्ट में भी हम बताए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट जाके देख लें, ठीक है। पार्ट 1 तो देखिए, पहले वाले वीडियो में हम क्या बताए थे, इफ स्टेटमेंट बता चुके थे, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट भी बता चुके थे, फिर इफ एल्स इफ लैडर बताना था और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बताना था, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोग इफ एल्स इफ लैडर इसको और फिर इसको, ये दोनों ही हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। उसके बाद हम इस पार्ट में क्या करेंगे, एक लिंक देंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप हम मेरे इंस्टा पेज पे जाके आप फॉलो करके वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, अगर जो डाउट हो रहा है। अगर उससे भी क्लियर नहीं होता है तो मैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो उसका सॉल्यूशन पे ही बनाऊंगा। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आप बस ट्राई करें, अपने से कोशिश करें कि हाँ वो आपसे हो पाता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करें लेक्चर। देखिए, इफ एल्स इफ लैडर, इफ एल्स इफ लैडर कहने का मतलब, जैसे इफ एल्स में क्या था कि इफ एल्स में ये था कि आप लोग एक कंडीशन होता था, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ पोर्शन रन करता था, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स पोर्शन रन करता था। बट इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें मिनिमम 2 कंडीशन होने ही होने हैं, ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर के। इसमें क्या हो गया, सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, इफ का एक्सप्रेशन अपना मतलब एक कंडीशन हुआ, उसके बाद उसका कोड हुआ, फिर यहाँ पे देखिए एल्स इफ, फिर उसका इफ का एक्सप्रेशन, उसके बाद उसका कोड हुआ, फिर एल्स। यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही एक्सप्रेशन लेके ही बताए, आप अगर मैक्सिमम जितना आपको लेना है ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन 1, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको एक्सप्रेशन 1, ठीक है, इसको एक्सप्रेशन 2, तो फिर एक और आ सकता है एक्सप्रेशन 3 वाला, फिर एक और आ सकता है एक्सप्रेशन 4 वाला। तो ये ऐसे चलते जाएगा जितना आपका कंडीशन हो सकता है, ठीक है, उतना आप कंडीशन यूज कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होता, इफ एल्स लैडर में कोई लिमिट नहीं होता कि हाँ मैक्सिमम 2 ही यूज करने हैं। बट हाँ, अगर वो आप इफ एल्स इफ लैडर में आ रहे हैं तो मिनिमम 2 कंडीशन होने चाहिए, तब वो आपके इफ एल्स इफ लैडर में आएंगे। क्योंकि देखिए, फर्स्ट तो इफ आ जाएगा, फिर लास्ट वाला इस इफ का लास्ट एल्स, तो ये तो एक कंडीशन हुआ। तो अगर एल्स इफ बनाना है तो एल्स इफ के लिए ये एल्स इफ लिखना पड़ता, तो उसके लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, मतलब उसके लिए दूसरा कंडीशन। तो ये क्या हो गया, इफ एल्स इफ लैडर हो गया, मतलब ये एक सीढ़ी। जैसे हम लोग सीढ़ी पे क्या होता है, एक तो सीढ़ी होती नहीं है कि एक ही है तो हम उसको सीढ़ी बोले, वो वैसा नहीं होता। सीढ़ी जब भी होता है 2, 3, 4 ऐसे करके, अगर आपको मतलब अपने टॉप फ्लोर पे जाना है ग्राउंड फ्लोर से, तो आप क्या, या तो आप लिफ्ट का यूज करेंगे या अपने सीढ़ी का यूज करेंगे। अगर छोटा घर है जैसे कि 2 या 3 फ्लोर का है, तो आप ज्यादातर सीढ़ी का ही यूज करेंगे, क्यों लैडर का ही यूज करेंगे, क्योंकि लिफ्ट तो गांव में या मतलब नॉर्मल सिटी में नहीं होता है, अपने घर में तो कोई लगाता नहीं है, ज्यादातर अपार्टमेंट बड़े बड़े बिल्डिंग में ही आपको लिफ्ट मिलेंगे। तो उसी तरह जैसे हम लोग सीढ़ी का यूज करते हैं, लैडर का यूज करते हैं, वैसे ही ये भी है कि एक के बाद एक के बाद एक आते चला जाएगा, और जो लास्ट होगा वो हम लोग को क्या करेगा, जो लास्ट लैडर लैडर होगा वो हम लोग को सीधे टॉप फ्लोर पे पहुंचा देगा। तो वैसे ही जो इसका लास्ट होगा वो एल्स होगा, और वो क्या करेगा, हम लोग को वहां पे इफ एल्स इफ लैडर को खत्म कर देगा, ठीक है। अब इसी पे हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग भी देखेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ये, ठीक है, ए बी सी, ये 3 नंबर है। अब हमको फाइंड करना है कि इस तीनों में से ग्रेटर कौन है। तो इतना तो हमें पता नहीं है कि हाँ कि ग्रेटर इसमें से कौन होगा। तो वहां पे अगर हम लोग को इसका कोड लिखना होगा, तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं,
ए अगर बड़ा है ठीक है या बराबर है बी के, एंड फिर ए बड़ा है या बराबर है सी के, तो क्या हुआ ए ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, बी अगर बड़ा है ए से एंड बी ही बड़ा है सी से भी, तो बी ग्रेटर हो गया। अब अगर ये दोनों नहीं हुआ तो क्या सी ग्रेटर होगा, क्योंकि ए भी ए सी से बड़ा है भी नहीं, बी भी सी से बड़ा नहीं है ठीक है, और ए बी ये तो दोनों बड़ा है ही नहीं, तो यहां पे क्या हुआ सी ही तो बड़ा हुआ, तो सी बड़ा हो गया, तो वहां पे इसके लिए कंडीशन नहीं लिखना। बट अगर यही देखे प्रोग्रामिंग तो हम लोगों क्या है, यहां पे ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग ए को बता रहे हैं लोग कि हाँ सबसे पहले ए का चेक कंडीशन चेक होगा, तो ए के लिए एक इफ ठीक है, ए के लिए एक इफ लिख दी। अब इफ का इस इफ का एक एल्स पोर्शन तो होना चाहिए, तभी वो इफ एल्स कंप्लीट करेगा, तो हम यहां पे इसको एल्स में लिख दिए ठीक है। बट अब यहां पे हमको एक और कंडीशन मिल गया, तो इस कंडीशन को स्टार्ट करने के लिए फिर एक इफ हम लोग लिखेंगे लो, फिर इसका कंडीशन, तो अब ये एक अलग सा कंडीशन के साथ आ गया, तो ये इफ एल्स इफ हो गया, फिर अब इस इफ का एक अलग सा एल्स, तो ये हुआ हम लोग का इफ एल्स इफ लैडर ठीक है। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट देख ले ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है, कंडीशन वन, जैसे कि यहां पे देखिए इफ एल्स इफ का लैडर, यहां पे हम लोग का मेन प्रोग्रामिंग हुआ ठीक है, जो भी है इंट मेन वो सब सारे ठीक है, उस पर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि वो इफ एल्स इफ लैडर में मतलब कंडीशन से ही हम लोग चेक कर रहे हैं ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, ये फ्लो चार्ट है ठीक है, फ्लो चार्ट में यहां पे कंडीशन दिया हुआ ठीक है। कंडीशन वन अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वन रन करेगा ठीक है, जैसे ट्रू हुआ यहां पे, ये क्या हो गया सॉरी, यहां पे ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट वन रन कर लिया, फॉल्स हो रहा है तो कंडीशन टू पे आ रहा है, मतलब ये फॉल्स हुआ तो फिर एल्स इफ पे आ रहा है, यहां पे एक इफ, अगर फॉल्स हुआ तो इफ सॉरी एल्स इफ, अगर ट्रू हो गया एल्स इफ का तो स्टेटमेंट टू जो एल्स इफ के अंदर जो पोर्शन में जो कोड होगा वो रन करेगा, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ, अगर ये ट्रू होता है तो इस एल्स इफ के अंदर जो कंडीशन होगा वो, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो यहां पे जो एल्स पोर्शन में स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा, या फिर आपका क्या बोलते हैं, अगर एल्स नहीं हम लोग दिए लोग इस इफ के लिए एल्स नहीं दे रहे हैं लोग, तो डायरेक्ट जो हम लोग का कोड होगा वो रन करेगा, तो ये हुआ। और रन करने के बाद अगर स्टेटमेंट यहां पे, तो जो हम लोग का आउटपुट हुआ सारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोग का नेक्स्ट कोड पे डिपेंड करेगा, और वो आउटपुट यहां पे रिटर्न करेगा। तो ये था हम लोग का फ्लो चार्ट एल्स इफ लेटर का। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, एक प्रोग्रामिंग देखते हैं लोग, जो हम लोग पिछले स्लाइड में जो एग्जाम्पल देखे लोग उसी पे एक प्रोग्रामिंग देखते हैं और उसको कोड के थ्रू समझते हैं लोग कि कैसे हुआ। देखिए यहां पे हम सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h लिख दिए, उसको इंट मेन, और फिर हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तीन नंबर लेना है, क्योंकि तीन यूजर इनपुट लेना है, उसमें पता करना है कि कौन सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो तीन यूजर इनपुट लेने के लिए हम तीन सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो तीन वेरिएबल किसमें डिक्लेयर करेंगे लोग, हम लोग सबसे पहले अभी इंट के लिए देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप में ही वो लार्जर है या स्मॉलर है ठीक है। तो चलिए इंटीजर में हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए हम लोग इंट डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे लोग। तो यहां पे देखिए इंट नम वन नम टू नम थ्री तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इसको यूजर इनपुट लेते हैं, तो यूजर इनपुट जल्दी से हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम यूजर इनपुट के लिए printf इंटर द फर्स्ट नंबर, उसके बाद परसेंट डी नम वन scanf में, फिर printf सेकेंड के लिए scanf, फिर थर्ड नंबर के लिए भी scanf।
अब यहाँ पे आते हैं लोग, हम लोग का जो रियल कोडिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, जो रियल लॉजिक स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले, जैसे कि हम बताए थे, सबसे पहले हम लोग को इफ स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के लिए कंडीशन है, तो हम लोग को कंडीशन क्या है कि हम लोग को जो सबसे ग्रेटर नंबर है उसको फाइंड करना है। उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग को ग्रेटर देन का ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ग्रेटर देन का यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इफ, तो नम वन ग्रेटर देन नम टू, अगर नम वन ग्रेटर देन नम टू है, एंड ये एंड का सिंबल है सी प्रोग्रामिंग में, हम लोग एंड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। पाइथन में जाइएगा तो ए एंड डी लिख देते हैं लोग, या ऐसे भी लिख सकते हैं लोग पाइथन में, ठीक है। तो अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप का वो शो किया जाता है, ठीक है, बट हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एंड ऐसे ही लिखते हैं। तो एंड नम वन ग्रेटर देन नम थ्री, अगर नम वन ग्रेटर देन नम टू है, फिर नम वन ग्रेटर देन नम थ्री है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा। एंड का क्या होता है कि अगर दोनों वन और वन हो, मतलब एन का ट्रुथ टेबल देखे लो, तो वन वन हो तो ही वो वन रिप्रेजेंट करता है, मतलब वन देता है, मतलब कि ट्रू ट्रू हो तो ट्रू देगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ही ये इफ के इफ पोर्शन के अंदर में, मतलब इफ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लोग इफ का कोड क्या है, प्रिंट एफ पर्सन डी इज द ग्रेटर नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बाद नम वन। तो ये हुआ हम लोग का, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही हम लोग को सब इफ एल्स में लिखना है। सॉरी, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इफ पोर्शन, अब आते हैं लोग नम टू के लिए। तो नम टू के लिए इस इफ को एल्स में पहले कन्वर्ट, इस इफ का एल्स, ठीक है, उसके बाद नया इफ चालू करने के लिए, क्योंकि हम लोग को न्यू कंडीशन देना है। न्यू कंडीशन में क्या, नम टू ग्रेटर देन नम वन एंड नम टू ग्रेटर देन नम थ्री, अगर ये कंडीशन है तो ही ये यहां पे प्रिंट करेगा क्या, नम टू इज द ग्रेटर देन नम टू इज ग्रेटर, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये तो नम टू के लिए, नम वन के लिए और नम टू के लिए हो गया, ठीक है, बट हम लोग नम थ्री के लिए भी कंडीशन लिख सकते हैं लोग कि एल्स इफ अगर नम थ्री, बट अब हम लोग कंडीशन क्यों लिखे लोग, क्योंकि हम लोग को दो कंडीशन, तीन कंडीशन चाहिए था, तो हम लोग दो कंडीशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इट मीन्स कि थर्ड कंडीशन ही ट्रू होगा, फोर्थ कंडीशन तो है नहीं हम लोगों के पास। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एल्स कंट्रोल भी, तो ये पेस्ट हो जाएगा नम थ्री इज ग्रेटर। अब देखिए यहां पे हम लोग का सारा प्रोग्रामिंग खत्म हुआ, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इससे ज्यादा जूम आउट नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, ये तो हम लोग यूजर इनपुट ले लो, अब यहां से हम लोग समझने वाली बात है, इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू, तो ये नम वन ग्रेटर देन नम टू होगा तो ही ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि हाँ नम वन ग्रेटर, ये फिर सेम वही नम टू नम वन और नम टू ग्रेटर देन नम वन, नम टू ग्रेटर देन नम थ्री, तो नम टू ग्रेटर, फिर एल्स में नम थ्री। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं लोग, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम रन किया, ठीक है, तो आ रहा है यहाँ पे इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम 56 इंटर करते हैं, ठीक है। उसका इंटर द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर के जगह हम 34 इंटर करते हैं, ठीक है। फिर आ रहा है इंटर द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर के जगह हम 98 इंटर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 56 34 98, अब इसमें से आप एज्यूम कर लीजिए कि कौन सा बड़ा नंबर है, मतलब एज्यूम किया आपको दिख रहा है कि 98 ही बड़ा है, और हम लोग आउटपुट देखिए यहाँ पे 98 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, मतलब इन तीनों में से 98 क्या है सबसे बड़ा है, जो हम लोग का आउटपुट आ गया, ठीक है। तो यही ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे और रन करेंगे, यही लॉजिक यूज करना है, ठीक है। आपको जब
दो या दो से ज्यादा लॉजिक मिले, ठीक है, तो उस टाइम सॉरी दो या दो से ज्यादा आपको कंडीशन मिले या स्टेटमेंट मिले तो वहां पे आपको क्या है इफ एल्स लैडर का यूज करना है। और जो अभी हम नेक्स्ट बताएंगे इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ जो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर नेस्टेड इफ भी यूज करेंगे तो वो क्या होता है और इजी होता है, तो उससे भी हम प्रोग्रामिंग देखते हैं। सबसे पहले नेस्टेड इफ क्या होता है वो चलिए देखते हैं। देखिए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का कहने का मतलब होगा कि एक के अंदर एक, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर एक दूसरा इफ, ऐसे को हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए पैरेंटल हो गया, पैरेंटल इफ हो गया, उस पैरेंटल के अंदर एक फिर एक पैरेंटल, मतलब वो फर्स्ट पैरेंटल के अंदर एक चाइल्ड, अब उस चाइल्ड का एक पैरेंटल सॉरी उस चाइल्ड का एक और चाइल्ड, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए नेस्टेड इफ को सिंपल से एग्जांपल में हम लोग के दादाजी, ठीक है, दादाजी के बेटा पापा हुए, ठीक है, तो मतलब वो दादाजी क्या हुए पैरेंट हुए, मतलब फर्स्ट इफ हुए, उनका जो बेटा हुआ मतलब हम लोग के पापा हुए वो क्या हुए सेकेंड इफ हुए, एक इफ के अंदर दूसरे इफ, फिर उनके बेटे हम लोग, तो हम लोग जो होंगे वो थर्ड इफ होंगे, मतलब कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ठीक है। ऐसे जैसे हम लोग रिलेशन में, मतलब रिलेशन करें हम लोग फैमिली में, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ये नेस्टेड इफ होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए, ठीक है, इफ एल्स, तो इसको अगर हम लोग पैरेंटल मान लेते हैं लोग पैरेंटल वन, ठीक है, या पैरेंटल हायर, ठीक है, तो अब इस पैरेंट के अंदर ये चाइल्ड हुआ, ठीक है, ये एक चाइल्ड इफ, इस इफ के अंदर एक दूसरा चाइल्ड आया इफ, ठीक है, अब उस ये इफ एल्स खत्म हुआ तो इसका एल्स खत्म हुआ, ठीक है। कहने का मतलब कि जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ आए तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। ये अगर आपको मतलब जैसे पिछले वाले एग्जांपल समझाए थे कि हम कैसे किसी भी तीन नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड करते हैं, तो हम लोग अब देखेंगे कि नेस्टेड इफ से कितना इजिली हम लोग तीन नंबर को, मतलब तीन नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे कितना इजिली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट देख ले, ठीक है, फ्लो चार्ट में देखिए यहाँ पे हम लोग का जो इंट मेन जो भी है ऊपर का, अब देखिए कंडीशन वन मतलब ये पैरेंटल इफ हुआ, ठीक है, इफ जो फर्स्ट इफ था, जो पैरेंटल इफ था, हम लोग पैरेंटल इफ पी से, तो अगर ये ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ इफ के अंदर जाएगा, ठीक है। अब बॉडी ऑफ इफ के अंदर ट्रू हुआ तो ये दूसरा कंडीशन मतलब चाइल्ड वाला, ठीक है, ये जो इफ आएगा ये क्या है चाइल्ड इफ है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में सी हम कर देते हैं, ठीक है, चाइल्ड। अब देखिए ये फिर ट्रू हुआ तो फिर ये दूसरा, अब इसके चाइल्ड का मतलब कि अब इस चाइल्ड ये अब पैरेंटल के तौर पे रोल प्ले करेगा, अब ये क्या हुआ अगर ट्रू हुआ तो ये पैरेंटल बना, अब ये फिर चाइल्ड आया उसका, अब ऐसे ही करते चला जाएगा। बट अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स में आ गया, अगर दूसरा कंडीशन है, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है तो इस एल्स का आप फॉल्स है तो नेस्टेड, या फिर अगर इसके अंदर नेस्टेड है तो सेम यही वाला, वरना अगर कुछ नहीं है मतलब यही इतना कंडीशन है तो यही पे ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा अगर ये थर्ड कंडीशन नहीं आता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहले हम लोग देखे थे लोग कि तीन नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखे थे लोग, ठीक है, तो ये देखिए ए बी सी ये तीन नंबर ले लीजिए। अब हम लोग को इसको नेस्टेड इफ के थ्रू हम लोग को देखना है कि इसमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो अगर हम लोग कह लो फर्स्ट इफ कंडीशन लिखे लो इफ, देख इफ पहला में हम क्या कि ए ग्रेटर देन बी कर दिए, अब इसमें से क्या पता चला अगर ये इफ ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, मींस कि ए बड़ा होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और इफ लिखे लो जिसमें ए ग्रेटर देन सी कर दिए, इट मींस क्या जो हम लोग एंड यूज करके ए को ग्रेटर कर रहे थे लोग वो अब एंड नहीं हम लोग नेस्टेड में बना दिए, तो ये ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा ए बड़ा है, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ, फॉर एग्जांपल ये फॉल्स हुआ तो एल्स क्या होगा, अगर ए देखिए यहां पे लॉजिक जो है ए बड़ा है बी से और ए छोटा है सी से, इट मींस कि ए क्या है बड़ा है बी से बट छोटा है सी से, इट मींस कि सबसे बड़ा कौन हुआ सी हुआ, तो यहाँ पे एल्स पोर्शन में सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर आते हैं लोग एल्स पोर्शन, इस इफ एल्स का एल्स पोर्शन, इसमें एल्स पोर्शन में यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बी प्रिंट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग सी को देख लिए लोग, ए को देख लिए लोग, अब बी बचा,
तो अगर आप सोच रहे कि हम डायरेक्ट बी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इन केस बी बड़ा होता है, ठीक है, सॉरी सी बड़ा होता है और ए छोटा होता है बी से, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लिए लोग जैसे ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 19, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ए क्या बी से छोटा है, मींस कि ये फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, एल्स पोर्शन में आया तो ये क्या करेगा, बी प्रिंट कर देगा, सिर्फ बी को ही प्रिंट कर देगा और सी बड़ा है, तो यहां पे भी हम लोग को नेस्टेड इफ करना पड़ेगा, मतलब एल्स में फिर एक इफ कंडीशन जो क्या बी ग्रेटर देन सी कर दे, तो यहां पे बी ग्रेटर देन सी मींस कि बी बड़ा है तो बी प्रिंट करेगा, और फिर एल्स में अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, सी प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये हुआ हम लोग का लॉजिक, और ये इसी एग्जांपल को अब हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे लोग और समझेंगे लोग और उसका प्रोग्रामिंग करेंगे। चलिए देखते हैं, तो देखिए अब हम लोग को कोड लिखना है, तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं जल्दी से, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हैज इंक्लूड एचडीआई डॉट एच इंट मेन, फिर इंट नम वन नम टू नम थ्री, ये ले लिए लोग तीन नम वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम नम वन नम टू नम थ्री को ही क्या करेंगे, इनपुट करा लेंगे, क्योंकि पिछले बार हम दिखाए थे कि मतलब पिछले वाले कोड में हम दिखाए थे कि कैसे तीन नम वन नम टू नम थ्री के लिए तीन अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट और अलग अलग स्कैनफ यूज करके इनपुट यूजर लिए थे। अब हम यहाँ पे एक ही में तीनों को दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग को मान लीजिए 10 यूजर इनपुट लेना हो तो 10 बार प्रिंट एफ स्कैनएफ लिखेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, लोग एक ही में 10 को लिख के मतलब कोड को थोड़ा शॉर्ट बनाए और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे, एक ही प्रिंट और स्कैनएफ के थ्रू से हम लोग तीनों को यूजर इनपुट लेंगे लोग। अब देखिए यहाँ पे यूजर इनपुट, तीन यूजर इनपुट ले लिए लो, ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्कैनएफ पे, यहाँ पे परसेंट डी यहाँ पे तीन वेरिएबल्स के लिए हम तीन जगह खाली कर दिए, ठीक है, परसेंट डी। अगर हम लोग स्पेस दे लोग ना दे लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीन वैकेंट मेमोरी में स्पेस खाली करना है, तो यहाँ पे स्पेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे कॉमा देते हैं, कॉमा के बाद नम वन लिखे तो ये इंडिकेट करता है कि ये फर्स्ट वाला जो वैकेंट स्पेस है वहां पे नम वन को, उस लोकेशन को नम वन से डिनोट करना है। फिर सेकंड, फिर यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा से ये पता चलता है कि हाँ हम लोग का जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो था, मतलब कि जिस नेम से रिप्रेजेंट करना चाहते थे लोग, वो अब खत्म हो चुका, अब सेकेंड के लिए हम लोग ये नेम यूज करेंगे, तो ये सेकेंड के लिए, अब वैसे ही ये थर्ड के लिए। अब आते हैं कोड पे, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक स्कैनएफ हो गया। अब आते हैं इफ, जैसे बताए थे इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू, तो इससे क्या हुआ, नम वन बड़ा होगा तो ये इस इफ के अंदर घुसेगा, ठीक है, इफ के अंदर इंटर करेगा। फिर इफ नम वन ग्रेटर देन नम थ्री, तो ये क्या हुआ, नम वन ग्रेटर देन नम थ्री मीन्स कि नम यहाँ पे नम वन जो है वो ग्रेटर है, नम टू से भी ग्रेटर है, नम थ्री से भी ग्रेटर है, तो प्रिंट नम वन कराना है, प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, ठीक है, यहाँ पे नम वन। अब हम इसको कॉपी कर देते हैं, सिर्फ हम नम वन नम टू नम थ्री यही चेंज करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी। अब देखिए अगर यहां पे इस कंडीशन में क्या, नम वन अगर बड़ा नहीं होता तो नम थ्री बड़ा है, एल्स यहां पे हम सिर्फ नम थ्री कर दे रहे हैं, तो ये हो गया नम वन नम टू, सॉरी नम वन और नम थ्री के लिए। बट अब नम टू के लिए तो इस इफ का एक
अलग सा एल्स, तो यहां पे हम एक न्यू एल्स देते हैं, ठीक है। तो एल्स, तो इस एल्स में जैसा हम बताएं कि यहां पे तो एल्स में बी कर देंगे, बट अगर इनकेस ए से बड़ा बी होता है और बी से बड़ा सी होता है तो हम लोग को तो बी आउटपुट बी ही मिलेगा। तो उसके लिए एक अलग सा हम लोग को प्रिंट इफ एल्स देना पड़ेगा। तो इफ नम टू ग्रेटर देन नम थ्री, अगर ये कंडीशन होता है तो वहां पे प्रिंट करेगा नम टू ग्रेटर है, बट अगर ये भी कंडीशन नहीं होता है तो एल्स वो क्या है, नम थ्री ही बड़ा है। तो ये हुआ हम लोग का कोड, फिर से हम एक बार समझा देते हैं। जीरो, देखिए इसको छोटा, इससे ज्यादा ये स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहां पे ये तो हो गया। अब देखिए इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू, ठीक है, यहां पे नम वन बड़ा है और फिर ये सेकंड इफ में जो नेस्टेड है इस इफ में भी नम वन बड़ा है, तो ये नम वन प्रिंट कर रहा। बट अगर इनकेस जैसे कि ये नम वन बड़ा होता है नम टू से बट नम थ्री से छोटा होता है तो वहां पे नम थ्री प्रिंट हो जाएगा कि नम थ्री बड़ा है। बट अगर नम वन क्या होता है कि नम टू से ही छोटा है तो नम टू से छोटा मीन्स कि फर्स्ट इफ में ही नहीं इंटर करेगा वो, यही पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन फॉल्स इट मीन्स को डायरेक्ट एल्स पोर्शन में आ जाए। अब एल्स पोर्शन में आएगा तो यहां पे चेक करेगा नम टू जो है वो नम थ्री से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर देखा कि नम थ्री से बड़ा है तो नम टू प्रिंट कर देगा, अगर नम थ्री से छोटा है तो नम थ्री एल्स पोर्शन में आके फिर यहाँ पे नम थ्री प्रिंट कर देगा। ये सिंपल सा कोड। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हम लोग का आंसर क्या आता है। देखिए जैसे यहाँ पे इंटर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर, तो हम इंटर करते हैं 67, 56, 98, ठीक है। तो देखिए 98 इज द ग्रेटर, इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट जो आया वो सही है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कोडिंग। तो हम लोग का वीडियो हुआ समाप्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।